चैप्टर 32 लेट्स गो टू द कर्स हाउस। तो यहाँ पर ममा ओकारून जीजी ट्रेन में बैठकर गेम खेलते रहते हैं। इतने में जो अपना ओकारून होता है वो हारते रहता है। ये चीज देखकर ममो कहती है कि तुम कितना बेकार खेलते हो ओकारून। ये बात सुनकर अपना ओकारून थोड़ा सा चिढ़ जाता है और बोलता है कि मेरे को ये गेम नहीं खेलना। इतने में जो जीजी होता है वो कहता है कि चलो तुम अपना मूड ठीक करने के लिए चॉकलेट्स खा लो। तो अपना ओकारून जो होता है जीजी और ममो को देखकर वापस से सैड हो जाता है और अपने मन में सोचते रहता है कि ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे इस चीज का कुछ करना पड़ेगा। फिर इतने में वो अपने नट्स के बारे में सोचते रहता है। तो उसे यहाँ पर मोमो बोलती है क्या सोच रहे हो तुम, तो यहाँ पर वो बोलता है नट्स। इतने में ये चीज जीजी और मोमो सुन लेते हैं और दोनों हंसने लग जाते हैं। और जो यहाँ पर मोमो होती है वो बोलती है कि तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए अपने नट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो ओकारून बोलता है कि मैं वो चीज के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं कुछ और चीज सोच रहा था। तो यहाँ पर अपना जीजी बोलता है कि प्लीज तुम अपना डर्टी जोक्स मारना बंद करो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि ये थोड़ी लंबी स्टोरी है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो जीजी होता है वो वापस से बोलता है कि मैं कुछ नया ट्रेंड चालू करूंगा डर्टी जोक्स को लेके, और वो उल्टा सीधा कुछ बोलने लग जाता है। जीजी की बात सुनकर मोमो भी हंसने लग जाते हैं। इतने में जो अपना ओकारून होता है ये चीज ऑब्जर्व करता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ सोचिनो को मॉन्स्टर के बारे में। इतने में जो मोमो होती है वो फुल्ली एक्साइटेड हो जाती है उस मॉन्स्टर के बारे में सुनने के लिए। तो यहाँ पर अपना ओकारून बोलता है कि मुझे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, मोमो का अटेंशन मेरी तरफ करना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर ओकारून बोलता है कि जो क्रिप्टाइट है एक तरह की क्रिएचर है जो कि 100 साल से रहते आए हैं अर्थ पे। गोरिलास को भी क्रिप्टाइट की तरह कंसीडर किया जाता है। और मैंने एक सोचिनो को देखा है जो कि एक क्रिप्टाइड है और वो एक गोरिला बनने वाला है पुराने खंडहर के अंदर। इतने में जो मोमो होती है वो बोलती है कि मुझे भी वो शाम देखना है। तो यहाँ पर जीजी बोलते है कि इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। इतने में जो ओकारून होता है जीजी की बात काट कर कहता है कि कुछ पुराने खंडहरों में कापा की मम्मी भी मिल चुकी है जो कि क्रिप्टाइड से भी बहुत रेयर है। ओकारून की बात सुनकर जीजी कहता है कि कापा रियली एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे में तो फिर नेस भी एग्जिस्ट करता होगा, शायद उसके पिक्चर विक्चर भी होंगे। इतने में जो अपना ओकारून होता है एक्साइटेड होकर नेस के बारे में बताते रहता है जीजी को, जो कि बोलता है कि एक सर्जन फोटोग्राफ मिला है जो कि नेस का है, जिसे लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये फेक है, लेकिन मैंने रिसेंटली एक रियल नेस देखा है अपनी आंखों से। तो यहाँ पर जो अपना जीजी होता है वो शॉक हो जाता है, बोलते है कि सच में, चलो मुझे बताओ उसके बारे में थोड़ा बहुत। तो इतने में जो अपना ओकारून होता है जीजी के साथ बात करने लग जाता है उसी नेस के बारे में। तो यहाँ पर जो जीजी होता है बात करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें रेस्पेक्ट करता हूँ एज ए मेरी फ्रेंड की तरह। तो यहाँ पर अपना ओकारून होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर जो जीजी होता है वो बोलता है कि तुम इतने शॉक क्यों हो रहे हो, तुम मोमो के फ्रेंड हो तो मेरे भी फ्रेंड हुए ना, क्या तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानते हो क्या ओकारून, बताओ। इतने में जो अपना ओकारून बोलता है कि मैं थोड़ा सा अजीब लड़का हूँ। ये बात सुनकर अपनी मोमो होती है वो थोड़ी सी बोलती है फिर से ये मत बोलना बिल्कुल भी। तो जीजी बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये। इतने में ये लोग जीजी के विलेज आ जाते हैं जहाँ पर एंटर करते वो देखते है कि हॉट स्प्रिंग का बैनर लगा है और यहाँ पर एक सर्टन डिटेल दिया गया है जो कि मोमो का बैग का नाम है चोदेनजी योयो और ओकारून के बैग का नाम है रॉकेट पंच। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो हॉट स्प्रिंग को देखकर शॉक हो जाती है और एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे पापा के हॉट स्प्रिंग पे काम करते हैं। तो यहाँ पर जो जीजी होता है वो बोलता है कि नहीं, मेरे पापा एक प्रोफेसर है जो कि वोल्केनो के बारे में स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, इसलिए हम यहाँ पर आए थे वोल्केनो को स्टडी के लिए। तो ये बात सुनकर मोमो बोलती है कि यहाँ पर एक वोल्केनो है तो इसका मतलब वो कभी एरप्ट नहीं होता क्या। तो यहाँ पर जो जीजी बोलता है कि वो 200 साल से अभी तक वो कभी फूटा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी फूटेगा भी। इतने में ये सब सीढ़ी चक्कर जीजी के घर आ जाते हैं जहाँ पर जीजी का घर देखते हैं ये सब। तो यहाँ पर जो जीजी होता है वो बोलता है कि मोमो तुम्हें कुछ अजीब फील नहीं हो रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है ना बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ अजीब फील नहीं हो रहा। इतने में हम देखते हैं कि कोई जंगल से इन्हें फॉलो कर रहा है और इन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, ये चीज अपना ओकारून नोटिस करता है। लेकिन इतने में जो जीजी और मोमो होते हैं वो घर के अंदर एंटर करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो ओकारून को अंदर बुलाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इन पर नजर रख रहे हैं वो यहाँ के कुछ वियर्ड लोग हैं। तो यहीं पर आकर चैप्टर एंड होता है।